हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं कई चीजों का ध्यान रखती हैं ताकि उनके ऊपर और उनके गर्भ के ऊपर कोई समस्या ना आए। वो चाहती हैं उनका शिशु बिना किसी दिक्कत के पैदा हो, शिशु के शरीर पर कोई दाग ना हो। कहा जाता है ग्रहण के दौरान अगर कुछ असामान्य हो जाए तो शिशु के लिए ठीक नहीं होता, गर्भ के लिए ठीक नहीं होता। आपको पता होगा दोस्तों, आज ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण, उसी के बारे में बता रही हूँ कि क्या ये ग्रहण आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या खास है आज का ग्रहण, क्योंकि ये अमावस्या के दिन पड़ रहा है, और कितना नुकसानदेह है, ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक है, और प्रेग्नेंट महिला को क्या करने चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज का ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ रहा है, कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्भवती महिलाएं उन क्षेत्रों में रहती हैं जहां ग्रहण का असर है तो इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि उनके शिशु पर कोई ग्रहण का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ग्रहण के दौरान वायुमंडल में हानिकारक किरणें फैल जाती हैं जो त्वचा और श्वास के द्वारा गर्भ के भीतर पहुंचकर शिशु को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान अपना विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का ग्रहण जो 2 जुलाई 2019 को है वो रात 10:25 पर लगेगा और ग्रहण की समाप्ति रात 3:21 पर होगी, और इसका सूतक आज सुबह 10:25 पर होगा, यानी सूतक लग चुका है। ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सबसे जरूरी बातें जो गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए और इसका खास ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन जो भी यात्रा आप कर रही हैं उसको टाल दें, क्योंकि आज के दिन कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान भूलकर भी आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, ना तो अपने पास रखें। आज आपको सूरज देखने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण है और सूरज की रोशनी में भी जाना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान और या ग्रहण के बाद कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। बाद इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई खाना बना हुआ है तो ग्रहण के बाद उसे नहीं खाएं, आप जो भी खाएं ताजा बनाकर खाएं। ग्रहण के दौरान खाना बनाना, बालों में तेल लगाना, श्रृंगार करना या और कोई अन्य काम करना जो आपके शरीर से रिलेटेड है उसको नहीं करना चाहिए। इस समय आपको कुछ भी काटना सिलना नहीं चाहिए या कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाकू आज आप हाथ नहीं लगाएं, सब्जी काटने का काम आज नहीं करें, कुछ भी नहीं काटें। ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने से शिशु के लिए सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, घर में पल रहे शिशु को ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए गर्भवती महिला को ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लेना चाहिए, और जो भी खाएं फिर से मैं बता देती हूँ, ताजा खाना खाएं, बना हुआ खाना नहीं खाएं। यह ग्रहण मध्य पूर्व दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना में दिखाई देगा। मेरे जो भी सब्सक्राइबर इस एरिया में रहते हैं वो आज ग्रहण का विशेष ध्यान रखें, बाकी किसी भी क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं है। भारत में इसका प्रभाव नहीं है, इसका सूतक काल यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए जो भारत में रहती हैं वो ग्रहण की चिंता ना करें। जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो गल्फ कंट्री में रहते हैं, उनके लिए भी ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, न शिशु के लिए कोई नुकसानदेह है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। थैंक यू।